मोदी जी बाद में करूंगा अभी। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्ते आप सभी को, जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। जहाँ से लास्ट व्लॉग एंड हुआ था वहीं से अभी नेक्स्ट व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। शाम का वक्त हो चुका है और जन्माष्टमी की बाहर बहुत जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो गई है। शाम के डिनर की तैयारी हो गई है, तो आज का जो डिनर है वो सभी गाँव वालों को दिया जाएगा। तो अभी मुझे जो है फटाफट से रेडी होना है क्योंकि लोग आने शुरू हो चुके हैं। और मैंने अभी गर्म पानी का नलका खोल दिया है। यहाँ पे गर्म पानी आ जाएगा तो मैं फटाफट से नहा जाऊँगी और आपको फिर मिलूँगी और आपको तैयारियाँ दिखाऊँगी जो मुझे शुरू हो चुकी है खाने बनाने की। बाय। तो गाइस मैं आ गई हूँ नहा कर और ये है मेरा आज का गेटअप। दिखाऊँ आपको, यहाँ पे रहो आप लोग। ये है मेरा मोहमारे नजरिया सावरिया रे मोहमारे। ये विश जो शर्ट है ना ये बहुत ज्यादा पुरानी है, मैंने संभाल के रखी है क्योंकि मेरे को बहुत पसंद है ये वाली शर्ट। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अभी मैं आपको ले चलती हूँ नीचे जहाँ पर खाना बन रहा है, जहाँ खाना बनाने की प्रिपरेशन हो रही है। मैं आपको वो दिखाती हूँ अभी। चिल्लू मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ पे खाना बन रहा है और उनके लिए मैं चाय भी लेके जा रही हूँ। चिल्लू में आ जाओ। आलू प्याज दिखा आप करो कमेंट्री। गंधर्व वहाँ दिखा सबको। नमस्ते राजी। बस 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 अपने पापा को दिखा रहे भैया जी। चाय नीचे गिर दिखा दिखा मामा तो दिखा गंधर्व ऐसे दिखा सब कुछ नीचे ऐसे। हाँ ऐसे बे यहाँ बन रहा है हलवा। अक्सर अनुपम भैया बना रहे हैं, किचन बना दिया इस स्टोर। यहाँ पे भी लगाया खाना, वहाँ पे भी लगाया खाना। यहाँ पर खेल रहे हैं बच्चे क्रिकेट। सर अब तू खेल जा, मैं तेरे को बुलाऊंगी फिर, ठीक है? जब मेरे को तेरी जरूरत पड़ेगी। ठीक है अब चलते हैं ऊपर। मैं और मम्मी जा रहे हैं अभी पानी के लिए क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं ना, तो उनको हम ठंडा ठंडा पानी पिला रहे हैं। और जहाँ पे मतलब खाना बना रहे हैं स्पेशली वहाँ पे उनको ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैं अभी अपना डब्बा लेकर आई हूँ। मैंने आपको कल दिखाया था ना कि जहाँ पे हमारा नाला था, तो हम अभी वहाँ पे आए हैं पानी के लिए। अभी मानसून में बरसात में हम यहाँ का पानी पीते हैं क्योंकि ठंडा पानी होता है अच्छा, और खाना बनाने के लिए भी यही पानी यूज़ करते हैं। साफ पानी और ठंडा पानी होता है। फ्रिज का पानी हम पीते नहीं है, फ्रिज का पानी काफ़ी पहले से नहीं पीते हम, और न मतलब सादा पानी पीते हैं गर्मियों में भी। ओह मैं तो बहुत अंधेरे में दिख रही हूँ, समझ गई ना मेरी बात। वैसे चलो बाय गाइस, अभी पूरी रात हो चुकी है, अभी हुए 7:30 है, मैंने देखा 7:30 बजे। और डीजे भी लग चुका है, पहले डीजे का कोई प्रोग्राम नहीं था कि डीजे भी लगेगा। ये मेरे लिए भी सरप्राइज था जब डीजे आया। और अभी यहाँ पे पूरा आंगन बच्चों से भरा है, सारे गाँव के बच्चे आ गए यहाँ पे और भजन में नाच रहे हैं और यहाँ पे आज कट रहे हैं। सुबह के लिए भी अभी के लिए तो आई थिंक खाना बनना शुरू हो चुका है, बट ये जो तैयारियाँ ये सुबह के लिए हो रही हैं। अभी प्याज वगैरह कट जा रहे हैं, तो अभी उतना क्राउड नहीं है। अभी सभी अपने घर पे रेडी हो रहे होंगे, लाबला जो होगा अभी सब कुछ चल रहा होगा। और थोड़ी देर में जब जैसे क्राउड आता जाएगा मैं आपको फिर मिलाऊंगी, सभी से दिखाऊंगी मतलब मिलाऊंगी। तो क्या टर्न ऑन द कैमरा मीर भैया आज ठीक है, शू उतार रहे हैं। और ये है अंगी रानी है बाबा, कहाँ है? चंडीगढ़ सबका लाडला। और ये है आदि बिहारी, आप भी कर दो हेलो हाय। आदि बिहार गाइस आजकल बहुत ज्यादा दुख में है, बहुत टेंशन है इनको, थोड़े इमोशनली ब्रेकडाउन हुआ हुआ इनका। हाँ यार मीर भी, और
और कैसे हो आप? बढ़िया चल रहा है। आप कमजोर कमजोर क्यों लग रहे हो? बस बाल बच्चों की बड़ी टेंशन रहती है, काम कार यादी। काम कार यादी। आजकल काफी स्ट्रेस काफी स्ट्रेस में लग रहे हो आप आजकल। क्या कर रहे हो? पूरा देश चलाने का वो कंधों, पूरे देश को चलाने का कंधों का कंधों पे बोझ है आपके। कॉल भी आ रहा है अब तो यार, क्या करूं? बाद में मोदी जी बाद में करूंगा, अभी जरा गांव में था। ओके बड़ी। ओके मोदी जी, बाय बाय। हेलो, ये तो मैं पांचवी क्लास में थी। हां जी, आज तक देखा नहीं कभी यार। तो गाइस, माहौल पूरा बन चुका है, और अगर कॉपीराइट आ गया ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती इसका। इतना ही है अभी, मतलब आज कुछ लोग तो अभी खाना वगैरह भी बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो मेरे को ये पापा ने बोला है कि भोग देना है मेरे को फ्रूट वगैरह मंदिर में। आज तो दूध ही दूध हुआ है पूरा। सभी गांव वालों की तरफ से आया हुआ, ये हर घर से आया हुआ है दूध, क्योंकि सिर्फ लोग इकट्ठे होते हैं तो चाय वगैरह के लिए। और पंडित जी के लिए दूध करने के लिए आई हूँ मैं भी, पंडित जी के लिए दूध करते हैं। अभी हम आ चुके हैं खाना खाकर। मैं वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं कर पाई जहाँ पे हम खाना खा रहे थे, क्योंकि लाइट्स की थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो वहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा आ रहा था और फ़ोन के फ्लैश से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था ज़्यादा, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो आपको कल दिखाऊंगी वो जगह। बाकी जहाँ खाना बन रहा था वो तो आप लोगों ने देख ही लिया है। और रिकॉर्ड करने में भी दिक्कत से आ रही, क्योंकि भजन लगे हैं बाहर डीजे पे और मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। या तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा, और या फिर अब देखती हूँ कैसे करूँ। रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी क्योंकि भजन लगे हैं डीजे में, क्योंकि भजन लगे हैं डीजे में तो उसका कॉपीराइट आ जाएगा, तो फिर इशू ही इशू है। तो अब देखते हैं, या तो फिर वॉइस ओवर करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेंगे एक दिन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द डे टू। दीक्षु, देखो शर्मा आ गई हूँ। आपने साड़ी पहनी है दीक्षु? दीक्षु तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। थैंक यू। ग्यारह बजे फ्रॉक पहननी है। आप इसमें भी अच्छे लग रहे हो, ये साड़ी में दिखाओ, टर्न टर्न होके दिखाओ, गोल घूमो। अच्छा, इसमें भाग नहीं सकते, खेलना है आपने। ठीक है। यहाँ पे अभी हवन की तैयारी हो रही है, यहाँ पे हवन कुंड लगेगा और यहाँ पे सभी लोग बैठेंगे। मैं भी फटाफट से नहा धोकर तैयार हो जाऊंगी, और ये बच्चे भी रेडी होकर आ गए सुबह सुबह खेलने। और यहाँ पे हो रही है ये तुलसी की पापा, और यहाँ पे हो रही है खाने की, और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी। क्या ये आलू पकौड़े? पकौड़े के लिए आलू काटे जा रहे हैं ये इस शेप में। और क्या दिखाऊँ आपको, और नीचे दिखाती हूँ अभी, वो वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है अभी। यहाँ पे इस थाने में खिलाएंगे खाना, यहाँ पे खिलाई खाना, अभी मैट्स वगैरह बिछ जाएंगे जो खाना खिलाएंगे अभी। और ये मेरा गाँव, और ये घर। तो मंदिर में आपको, मंदिर में जाऊंगी। मैंने आपको कल से लेकर मंदिर नहीं दिखाया क्योंकि कल टाइम नहीं था, और मैं भी नहाई नहीं हूँ, तो फिर नहाने के बाद मैं अंदर जाऊंगी, फिर आपको कान्हा जी को दिखाऊंगी। मिस्टर राव जी, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और दिस इज़ माय आउटफिट आज के लिए हवन के लिए, एक सस्ता और टिकाऊ सा सूट। अब मैं आप लोगों को ले चलती हूँ बाहर, हवन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। देखिए, ये भी सिर्फ फैमिली वाले लोग हैं जो ये वाले ताऊ जी ताई जी ये करवा रहे हैं हवन। हवन नहीं, भी सिर्फ हवन में।
पल कीजिए, छोड़ दे वे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोली रचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। आगे कन्या जवानी है अभी हमने। चलो सारे शानू एक है नहीं डंडा इधर हाथ अच्छा हाँ देती हो यहाँ बैठो खाना खाना फूंक मार के खाते जाओ आप ठीक है। वहाँ स्लो नहीं दिख रही और आशा ताई जी भी दिख रहे हैं। देखना आशा ताई एक साथ गप्पे लगाते हैं चलते हैं। जैसे ताई जी जैसे आवी जी ठीक ठाक कब जैसे पहुंचे आप तो सुबह से लेकर कहाँ थे आप हैं कहाँ गए शाम को ही परे भागे ऐसे क्यों भागे। जैसे रानी जी ठीक ठाक गए नानी जी मतलब मेरी दादाजी के रियल सिस्टर वीडियो बन रही है ये वीडियो आपकी भी लेती हूँ। खाना खा लिया आप लोगों ने ठीक हो कब जैसे आए आप थोड़ी देर पहले अभी अभी अच्छा ठीक घर में ठीक है सब। मैं जाती नहीं गई ऐसी क्या नहीं नहीं मैं कहीं नहीं जाती हूँ। अच्छा ताई जी थैंक यू। अब हम जा रहे हैं खाना खाने सभी लोग सभी उठ गए हैं। निशि ताई जी ठीक ठाक ठीक है बेटा। हाँ जी आप ठीक हो ठीक है खा ले खाना अब खाएंगे। अच्छा चलो फिर जा रहे हैं सब लोग कौन है अंदर पता नहीं कौन बैठे हुए अंदर। हाँ जी सभी लोग वहाँ जा रहे हैं देखो खाना खाने के लिए और बारिश लग गई है अब हमें अरे इतनी जगह भी नहीं होगी खाना खाने के लिए सभी एक साथ उठ गए हैं क्योंकि पूरी थानी में नहीं खाना खिलाएंगे क्योंकि बारिश होने लग रही है बूंदाबांदी तो जो छत थी हल्की सी जो ये वाली छत है इसी के नीचे बैठ के एक लाइन लगा के खतरनाक है एक ही लेना एक ही लेना भैया थैंक यू भैया पूरा एक और पूरा नहीं भैया यार भैया चावल और दही मैंने तो भी पहले वाली खीर भी खत्म नहीं किया मेरी थाली ऐसे सज गई है जैसे पूरी प्लेट भर के चावल सब्जी दाल तो खाना तो मैंने खा लिया है और सब लोग यहाँ पे मैं तो खाना गया ना एकदम से गर्मी सी लग रही है यार। अभी मैं और सुनी डांस करके बैठे हैं
के रख कर बीच में नमस्ते, जो भी को देखा होता है नमस्ते कर सकता है इसको अब। तभी तो मैंने इतना बार बार करी सब लोगों को नमस्ते। अभी हम बहुत ज़्यादा थक गए डांस करके और अभी हम रेस्ट कर रहे हैं और सभी लोग बैठे हैं यहाँ पे। तो अभी डीजे बंद हुआ था, मैंने सोचा मौका का फ़ायदा उठाया जाए और मैं थोड़ा बोल लेती हूँ और लोगों से बातें कर लेती हूँ क्योंकि कॉपीराइट आता है। कजन यहाँ बैठे हुए चिल्लर चिल्लर गुल के हाथ में गुल भी है, बस देख के बताएंगे कि कितने रुपए हैं इसमें। अगर मैंने गलत तो बताया फिर गुल्लू भैया कितने लग रहे हैं आपको, कितने रुपए हो सकते 450। और मेरा मेरा एक मैं बताती हूँ, रुको तो 450 ने काउंट किए हैं कितने पैसे में ये बताएंगे अब 400 ये 1500 रुपए किसने आपको बैंक में वो दी पनाह और बाहर एकदम खतरनाक बारिश हो रही है, मजेदार। और हम सब यहाँ बैठे हैं, सारे लोग चले गए हैं, कुछ कुछ घर वाले लोग हैं, बच्चे फैमिली वाले और हम भी कजन बैठ के फन कर रहे हैं। फन